गोंदिया शहर को दोनों भागों से जोड़ने वाला पुराना रेलवे फ्लाईओवर वर्ष 2022 में बंद कर ध्वस्त कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप गोंदिया के छोटे व्यापारियों, स्कूली बच्चों, कॉलेज, हॉस्पिटल, सरकारी ऑफिस जाने वाले छात्रों और अन्य लोगों को पुल की कमी के कारण बहुत परेशानी हो रही है। हालांकि धन की उपलब्धता और सभी स्वीकृतियों के बावजूद पुल की नींव का काम बहुत दिनों से नहीं किया गया था, क्योंकि मीडिया ने बताया कि गोंदिया शहर के नागरिकों ने नाराजगी व्यक्त की है। समाचार उड्डान पुल का शिलान्यास 6 जनवरी को 10 दिन के भीतर पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने किया है, लेकिन आज 5 महीने बाद भी इस टूटे हुए नए उड़ान पुल का निर्माण शुरू नहीं हो सका, इसलिए गोंदिया शहर के नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही है। प्रशासन कहीं ना इस पुल के निर्माण में लापरवाही कर रहा है। गोंदिया के नागरिकों का कहना है कि जनप्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। गोंदिया शहर के दो हिस्सों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल यानी रेलवे पुल खतरनाक होने के कारण नष्ट कर दिया गया, लेकिन इसके कारण कई लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बड़े पुल से दूसरी ओर जाने के लिए नागरिकों को 1 किलोमीटर की दूरी पैदल, बाइक या अन्य साधन से तय करनी पड़ती है। पुल के निर्माण के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियां मिल चुकी है और अभी तक पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, लेकिन गोंदिया वासियों के लिए यह एक अभूझ पहेली है। बात लोकल झाला पाहिजे, इथे नेता लोक येतात पाहतात आणि चालले जातात, काही करत नाही अजूनपर्यंत। हा लांब पूल लांब आहे हो, त्या साईडला जायला लांब जावं लागतं, या साईडला जायला लांब जावं लागते, मधले लोक लांब गेल्यामुळे त्रास होतात त्रासात। यहाँ पे अभी 5-6 महीने हो गया है, अभी काम नहीं शुरू हुआ। लोगों को यहाँ से पुलिया के ऊपर जाने से बहुत तकलीफ होती है, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसे शॉर्टकट रास्ता हो जाती थी, अभी पुल टूट गया तो उससे लोगों को परेशानी होती है, लोग जा नहीं पाते रास्ते से, लोगों को इधर से हाईवे वे से जाना पड़ता है। अभी ये मांगने क्या है, पुल जल्दी से जल्दी तैयार करना चाहिए। गोंदिया शहर को ये जो जोड़ने वाला पुल है, दो भागों में बटा हुआ है गोंदिया, ये ओवर ब्रिज 2022 में तोड़ा गया नया पुल बनाने के लिए, लेकिन ये जो पुलिया बना है यहाँ पे, वो मेरे हिसाब से बराबर तरीके से बनाया नहीं गया, क्योंकि इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए काफ़ी लंबा पार करना पड़ता है, जिससे गोंदिया शहर वासियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी इसका दूसरा विकल्प निकाला गया था, जिसका जनवरी महीने में भूमि पूजन किया गया था, लेकिन अभी तक पुल का काम शुरू नहीं हुआ। मेरा शासन से और यहाँ के स्थानीय नेताओं से अनुरोध है कि कृपया इस काम को जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं। सर्वस्व लोकांना पुष्कळ त्रास होता है या पुल तुटल्याने, आणि भूमिपूजन पण झाला पण पुलाचा काम सुरू नाही केला आतापर्यंत, यांनी पुल लवकरात लवकर बनले पाहिजे ही मागणी आहे लोकांची, पण झाले आतापर्यंत काही कार्य सुरू नाही झालं। मागणी ह्याची आहे की ह्या पुलाचं कार्य लवकरात लवकर सुरू झालं पाहिजे, लोकांना सवलत मिळायला पाहिजे या यासाठी। भले इस पुल का निर्माण शुरू होने से नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि और प्रशासन इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में अब नागरिकों के सामने गोंदिया वासियों के वाली कोन को लेकर सवाल है। NBC न्यूज़ के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की